हेलो शिवम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिवम। यस सर। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर जो आपने भेजा ये 14 फ्लाइंग पिजन। यस सर। ओके, अब वो है 4 मीटर टॉल स्पॉट्स अ पिजन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 54 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द आई ऑफ द बॉय एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक है। द पिजन फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन एट अ कॉन्स्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 8 सेकेंड्स। The angle of elevation of the pigeon from the same point is 45 degree, ठीक है? Yes sir. Okay. Then आपको बताना है, based on the above information, answer the following questions, ठीक है? First question है, find the distance of the first position of the pigeon from the eyes of the boy, ठीक है? देखो अच्छा question है। Yes sir. ठीक है, देखो ध्यान से समझना। देखो जो मुझे एक बॉय की हाइट दी है उसकी हाइट कितनी दी हुई है? 4 मीटर। 4 मीटर, ठीक है। तो मान लो ये कोई 4 मीटर हाइट का बॉय यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और जो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है वो मुझे दी है, कितनी दी है बिल्डिंग की हाइट? 54 दी है ना? हाँ, 54 दी है। हाँ, ये मान लो ग्राउंड अगर हो गया, ठीक है, तो जो बिल्डिंग की हाइट दी है वो दी है 54। यहाँ फ्लैट कितनी है? 54 है, ठीक। तो यहाँ से जो पहले मुझे जो यहाँ मान लो पिजन था, ठीक है, ये मान लो क्या येलो कलर से क्या है ये पिजन है। तो पहले इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था? 60 डिग्री था। कितना था? 60 डिग्री, ठीक है। अब ये पिजन क्या है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली उड़ करके मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। तो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका है वो हाइट उसकी सेम दी हुई है, ठीक है, फिर 54 हाइट थी और फिर ही 54 दिए, फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। 45, ठीक है। चलो इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं ए बी सी डी ई, इस पॉइंट को एफ, इस पॉइंट को जी बोल रहा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं एच बोल दे रहा हूँ। ध्यान से समझो शिवम, अगर ये हाइट यहाँ 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। 4, यस सर। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये 4 होगा। हम्म, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। पूरा कितना है? 54 है, है ना? तो एफ एच कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हम्म, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, है ना? हाँ। अच्छा, अब क्वेश्चन देखो, पहले पार्ट में पूछ रहा है मुझसे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिजन फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय, मतलब बॉय की आंख से यहां से लेकर के हमको ये फर्स्ट पोजीशन, मतलब क्या निकालना है मुझे को? जीडी निकालना है। क्या निकालना है? जीडी की लेंथ, जीडी की लेंथ निकालना है मुझे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीडी निकालना है। तो जीडी तो कैसे निकालेंगे हम, क्या लगाएं इसमें हम? टेन से कॉस, नहीं टैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जीडी क्या है? जीडी हाइपोटेन्यूज है। तो क्या लगाते हैं हम? साइन 60 लगाते हैं। साइन 60, तो साइन थीटा क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 50 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? जीडी है। जीडी, ठीक है, ध्यान समझो, फिगर ध्यान से देखो, कौन सा ट्राइंगल की बात चल रही है? जीडीई ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल पड़ेगा मुझे? ट्राइंगल जी डी और ई, ठीक है। देखो लिख भी दे रहा हूँ, ट्राइंगल जी डी ई, ये फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 60 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किया, 50 अपॉन जी डी किया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। वेरी गुड, √3/2 रखा, इक्वल्स टू 50 अपॉन जी डी किया। तो यहाँ से जी डी कितना आएगा? यहाँ से मेरा जी डी आएगा 100/√3। कितना आएगा? 100/√3। ऑप्शन देखो, 100/√3 नहीं दिया होगा ना? दिया है अभी। हाँ, दे रखा है शायद। दिया है। दे रखा इसका मतलब,
हाँ फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला सही है। चेक करो आंसर, हाँ सी चेक करो वाला, आंसर, फर्स्ट का सी सही है ना। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट समझ में आया कैसे किया? यस सर। ओके अब इसमें सेकंड पार्ट देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ पिजन इंक्रीजेस द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ पिजन इंक्रीजेस द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है देखो, अगर मान लो ये डिस्टेंस इसके बीच में इंक्रीज करते जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ऐसे मान लो पहले यहाँ से यहाँ आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था इसका, 60 से 45 डिग्री हो गया, मतलब क्या है डिक्रीज हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ऑफ मेरा एलिवेशन होगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चेक करो इसका ऑप्शन, डिक्रीज, हाँ सही है ना। ओके थर्ड पार्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द पोल, बॉय और पोल के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब क्या निकालना है हमको, ये निकालना है, बीसी निकालना है, क्या निकालना है, बीसी निकालना है। बॉय कहाँ था, बॉय मेरा यहाँ खड़ा है, देखो यहाँ बॉय खड़ा है और ये मेरा पोल है, यानी मुझे बीसी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी ईडी की वैल्यू बीसी के बराबर होगी, देखो ईडी की वैल्यू बीसी के बराबर होगी, तो मैं सेम ट्राइंगल लूंगा, कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल जी डी ई लूंगा, ट्राइंगल जी डी ई लूंगा। जी डी ई में क्या करूंगा, अब मैं टैन लगा दूं, टैन 60 लगा दूं। हाँ ठीक है, तो टैन 60 क्या होता है मेरा, टैन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 50 है, अपॉन बेस कितना है, बेस दिया है मुझे ई डी। टैन 60 का वैल्यू कितना होता है शिवम, रूट थ्री। वेरी गुड, रूट थ्री इक्वल्स टू 50 अपॉन ई डी। यहाँ से ई डी कितना आएगा मेरा, यहाँ से ई डी आएगा 50 अपॉन रूट थ्री। तो ऑप्शन दिया है 50 अपॉन रूट थ्री, हाँ दिया है ऑप्शन दिया है, तो यही मेरा ऑप्शन है। चेक करो थर्ड कहाँ से, चेक करो जरा, बी है, सही है, है ना। ओके और भी क्वेश्चन है क्या इसमें, और नहीं है। ठीक है तो और सब क्लियर है शुभम? यस सर। सर मुझे ये पूछना था, आप वैसे बोल कहाँ से रहे हो? मैं इस फिलहाल तो मैं बिहार से बोल रहा हूँ, बिहार से बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ बताइए। उसमें इस ऐप में ऐसे दिखाता है ना कि नियर बाय लोकेशन है आप। ओके आप कहाँ से हो? मेरठ। मेरठ से हो, नहीं वो दिखाता है बट ऐसे जैसे अवेलेबल टीचर रहते हैं ना जिस हिसाब से, तो वैसे फिर कॉल से वो कनेक्ट हो जाती है। अच्छा मुझे ऐसा होता है। थैंक यू सर। ओके शुभम, गुड लक।